हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग कुलुम्बा। नमस्ते, नमस्कार। आज है फरवरी 30, 2022 और आज हम जा रहे हैं राइनो इको रिजॉर्ट। तो बने रहिए मेरे साथ आगे तक। तो चलिए हम चलते हैं। हम जा रहे हैं अभी आज राहुल भाई के साथ, राहुल बागलारी भाई, हमारे जाने माने बोरो म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के डीओपी और बहुत सारे में असिस्टेंट डीओपी भी रह चुके हैं। हाय बोलो राहुल भाई। हाय। तो चलिए हम चलते हैं। तो अभी हम पहुंच गए दिमाखुशी और हम रुके यहाँ पे अपना ड्रोन लेने के लिए। तो हमने अभी वो ले लिया है, तो अभी हम निकल रहे हैं। यहाँ पे राहुल भाई, हमने ड्रोन ले लिया, अभी चलते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हम एक रिवर पे हैं। इस रिवर का नाम है काला नदी या काला रिवर। वो इसलिए क्योंकि इस नदी का जो पानी वो काला होता है, ठीक है। और इसमें कोई ब्रिज नहीं, आपको ऐसे क्रॉस करना है। फिर आगे जाके राइनो पहुँचने से पहले आपको और एक रिवर क्रॉस करना है। तो अभी हम चलते हैं। तो ये वो दूसरा रिवर है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और वहाँ पे जो आपका ग्रीन रूफ जो आपको दिख रहा है वही राइनो है और हम वही पे जा रहे हैं अभी। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं राइनो। तो हमने, जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हमने बाइक जो है पार्क कर दिया है। तो अभी हमें यहाँ पे एंट्री फीस देना है। पर पर्सन के हिसाब से एंट्री फीस होता है। और मेरे पीछे आप यही देख सकते हैं, यही राइनो है। तो अभी हम वही जाएंगे, वही देखेंगे और मजे करेंगे। तो चलिए चलते हैं। 60 एक जन में 30 रुपीस। तो मेरे आगे आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ का रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप खा सकते हैं, पी सकते हैं कुछ भी। और मतलब आपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जैसे कि हम अभी आए हैं मेरे दोस्त के साथ, यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मज़े कर सकते हैं। और यहाँ पे एडवेंचर के लिए भी बहुत सारा चीज़ें हैं जो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे आप फैमिली के साथ आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं अच्छे वाले। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज हैं। तो अभी हम रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ का आपको माहौल दिखाते हैं कैसा होता है। वाह, नाइस। कोई नहीं है अभी तो। बैठ गया हमारे राहुल भाई। तो हमारे राहुल भाई इस छोटे से बैग में अपना मोटा सा जैकेट फिट करते हुए कर लिया है सक्सेसफुली। तो हमारे पास अभी मेन्यू आ गया है, तो अभी हम क्या खाते है देखते हैं। अरे क्या, यहाँ से तो अभी आप राइनो का मेन्यू देख सकते हैं। ये और है नहीं है, बस इतना ही है, इतना आपको आइटम मिलेगा यहाँ पे। तो अभी हम क्या खाएंगे भाई, क्या खाएंगे कुछ भी। तो अभी क्या ले, चिकन चाव ले लेते हैं, ऐसे कुछ पोर्क ले लेते हैं। यहाँ से हटाया गया है क्योंकि हम दो ही लोग हैं। तो कहाँ शिफ्ट हुए भाई हम यहाँ पे? तो अभी यहाँ पे शिफ्ट हो गए। राहुल भाई कैसा लगा शिफ्ट होके? खाएंगे भाई पोर्क ड्राई फ्राई, पोर्क ड्राई फ्राई उनसे, और चिकन चाव हाफ बननी। ओके, तो हमारा एक ऑर्डर अभी आ चुका है जो है पोर्क ड्राई फ्राई। और हमारा ये राहुल भाई शूट करते हुए, तो हमारा दूसरा ऑर्डर भी आ गया है चिकन चाव। तो अभी हमने खाना खा लिया है और हमें एनर्जी मिल गई है, तो अभी हम एक्सप्लोर करते हैं, है कि नहीं भाई? भाई का एनर्जी अभी तक आप नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर बाद आप होगा। तो अभी हमने
खा लिया है खाना, आई मीन खा खाना तो नहीं, कुछ फास्ट फूड खाए है। तो अभी हमारे राहुल भाई यहाँ पे लग गए अपने काम पे, फोटोशूट यहाँ पे अपना मॉडल। तो अभी हम एक एडवेंचर करने जा रहे हैं, तो हम वहीं पे चल रहे हैं अभी। हो इट्स ओवर एक्सपोज्ड, धूप है ना भाई, बहुत धूप है गाइस, बहुत। तो अभी राहुल भाई और मैं जिप लाइन पे चढ़ने जा रहे हैं। वाह सुपर से आएंगे, कैसा लग रहा है राहुल भाई, नर्वस या डर? देखते हैं कैसा लगता है। चलिए बहुत ही सुंदर है यार जगह, देखो तो ना। आ चलो 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 ऊपर चलो, ये बताए तो बहुत स्लिपरी है, ऊपर स्टेयर नहीं है। बहुत के वहाँ से जाना है। तो अभी हम जिप लाइन में चढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी हम जाने के लिए हैं तैयार, हार्नेस लग गया, आई मीन लगने वाला है। बोल दिया एक बार अपना, ठीक है से बोल दिया, उठो ना लगे बोल दिया। हां फुल कौन सीधा कर दिया, फुल कौन सीधा स्ट्रेट सीधा कर दिया, फुल कौन इनके पे हुआ, फुल कौन सीधा कर दिया। एरो वन एरो होइस ना, ये सीधा कर दिया, ये फले हां सीधा कर जा, ये फले सीधा कर दिया, इधर ये फले। ए सुसियो हो उठाओ तो राहुल भाई कैसा लगा जिप लाइन में उठ के? बस वोल्टी बन हो गया, उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया ना, मेरा तो उल्टा भी हुआ सीधा भी हुआ दोनों हुआ। फिर अभी हम आपको दिखाएंगे क्या क्या है इसमें, रहने का भी क्या है फैसिलिटी है यहाँ पे आपको, टेंट में या फिर केबिन ऐसे मिल जाएगा जो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए प्लीज मेरे साथ। जैसे कि हम बोल रहे थे यहाँ पे एकोमोडेशन भी अवेलेबल है, कैबिन अवेलेबल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैबिन है और वहाँ उस तरफ भी है, फिर वहाँ पे भी गेस्ट हाउस वगैरह है और टेंट हाउस टेंट भी है, वो भी दिखेंगे। पहले आप कैबिन देख लेते हैं, आ जाओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेडरूम है हमारा, बहुत अच्छा अच्छा बेडरूम, कोजी कोजी वाला बेड और वॉशरूम भी है यहाँ पे, अटैच वॉशरूम, वेस्टर्न है, बेसिन है, मिरर है, गीजर भी है, थन में शावर शावर, हाँ शावर है ऐसे नहाने के लिए। और यहाँ पे आप बेड के ऐसे बेड के चाय लेके विस्की दारू लेके इस तरफ आप देख सकते हैं, व्यू व्यू देखिए उस तरफ व्यू है। तो आपको यहाँ पे वार्डरोब भी मिलता है, देखिए इतना बड़ा वार्डरोब, यहाँ पे अपना सब सामान सूटकेस वगैरह भी रख सकते हैं, नीचे भी है शूज शूज के लिए। तो गाइस अगर इस वीडियो में मुझे 500 लाइक्स मिलते हैं तो हम राहुल भाई और मैं यहाँ पे रुकेंगे एक रात, यहाँ पे ही सोएंगे इस बेड पे, इस कोजी बेड पे सोएंगे। तो 500 लाइक्स
हाँ तो और एक चीज, अभी टीवी भी है, आप टीवी भी देख सकते हैं, और क्या है एयरटेल टीवी है, तो आप इसमें एंजॉय कर सकते हैं अपना टीवी भी। बहुत शांत से आपका रात गुजरेगा या फिर दिन गुजरेगा, अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं, अपने गर्लफ्रेंड के साथ आ सकते हैं, या अपने दोस्तों के साथ आके पार्टी कर सकते हैं। भाई यहाँ पे ड्रोन उड़ाते हुए ये देखिए आ गया हमारा ड्रोन। तो अभी है हम इको रिजोर्ट के, राइनो इको रिजोर्ट के पार्क पे, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सब कुछ है, आप बच्चों के लिए भी है, जिसकी अभी बच्चा खेल रहा है यहाँ पे, और कपल्स के लिए है हमारा हार्नेस। तो आप ऐसे बैठ के फोटो खिंचा सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा कपल्स के लिए हट, और यहाँ पे सिंगल के लिए है बैठने के लिए पत्थर। आप ऐसे दोस्तों के साथ आते तो ऐसे पोस्ट दे सकते हो, ऐसे एक ऐसे फिर इधर एक फुटबॉलर्स के लिए है या फिर फुटबॉल ऐसे आप लात मार के उधर जा उधर, और ये है बंदरबाजी करने के लिए, आप ऐसे उठ सकते हो, ऐसे झूल सकते हो आप, या तो आप ऐसे तारसिंह के तारा ऐसे क्या बोलते हैं उसको चाने के लिए चलने के लिए हो कहा गया तो मेरा यूज कर सकते हो। यहाँ पे अपना अच्छा आइसक्रीम को ऐसे लॉक करते हैं, आप देख सकते हैं ऐसे लॉक करते हैं, देखिए फिर हम जाएंगे अभी आप कर सकते हैं ये आर्चरी उधर देखिए यहाँ पे हमारे राहुल भाई ट्राई करने जा रहे हैं। ये देखिए ये करो वो अरे मिस होने वाला था। सेकेंड ट्राई सेकेंड ट्राई सेकेंड ट्राई वेरी मच लास्ट ट्राई खत्म नहीं होगा मेरे से। और यहाँ पे ये हमारा शीशो, राहुल भाई आप इधर जाओ दोनों करते हैं, चलिए चलिए रेडी आ जाओ बैठ जाओ कम ऑन 1 2 3 टूटे ना चाहिए जमे जमे और यहाँ पे आप दोस्तों के साथ बैठ के कर सकते हैं पार्टी, आलू पार्टी, चकना पार्टी, सॉरी क्या पोर्क पार्टी और क्या ये चाउमीन पार्टी, कब सब कर सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लग जाएगा अम्ब्रेला ऊपर ट्रेन के लिए, और आगे चलते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं रास्ते भी कितने खूबसूरत है, बिल्कुल जापान की तरह जापान की तरह खूबसूरत है। और वहाँ पे नीचे भी है पार्क, तो अब हम वहाँ भी जा रहे हैं अभी तो के लिए। हमारा एक क्या बोल सकते हैं इसको पॉन्ड, आप यहाँ पे स्विमिंग पूल, और यहाँ पे आप बैठ के यहाँ पे आप मजे कर सकते हैं। अभी अभी वाटर लिलिया कुछ कुछ लगाने वाले हैं यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे आप बैठ के दोस्तों के साथ मजे कर सकते हैं। पूरा ये देखो बैठने का एरिया है, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे भी बैठ के आप मजे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हो गया है शाम, और यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया था, वो है भूटान। ये इंडिया और भूटान का बॉर्डर में है, तो पास में है भूटान और पास में ही है जंगल। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना यहाँ पे क्या बोलते हैं लियोपर्ड रोरिंग रोर कर रहा था, पीकॉक, और पीकॉक भी रोर पीकॉक भी क्या कर रहा था कुछ कर रहा था, आवाज़ निकाल रहा था पीकॉक भी। तो अभी हम आज का ब्लॉग यही पे ख़त्म करते हैं, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट, और बुरा लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, कुछ तो कीजिए यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।